हीरा मंडी का फर्स्ट लुक लेकर आए हैं फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली। लेकिन क्या आपको लाहौर की असली हीरा मंडी का इतिहास पता है? कभी तवायफों के लिए मशहूर ये जगह बेहद दिलचस्प है। 1584 से 1598 के बीच अकबर ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और यहीं पर एक मोहल्ला बसाया जिसे शाही मोहल्ला कहा गया। धीरे धीरे इस इलाके में तवायफों का आना शुरू हुआ। तवायफों का काम था दरबार में नाच गाकर बादशाह का जी बहलाना। इस प्रोग्राम को मुजरा कहा जाता था। उस दौर में तवायफों की काफी इज्जत थी। लोग अपने बच्चों को तमीज और तहजीब सिखाने के लिए उनके पास भेजा करते थे। लेकिन 18वीं सदी में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने इसकी सूरत बदल कर रख दी। अब्दाली के हमले के दौरान लाहौर में पहली बार वेश्याले बने। अफगान सैनिक जहां लूटपाट करते वहां से औरतों को उठा लेते और लाहौर के वेश्यालयों में थूस देते। इस दौरान तवायफों का काम लगभग बंद हो गया था। तब वेश्या होना और तवायफ होना दो अलग अलग बातें थी। फिर अफगानों के बाद के लाहौर पर सिखों का राज कायम हुआ। महाराजा रणजीत सिंह के दौर में एक बार फिर से नृत्य संगीत में हुनरमंद तवायफों को इज्जत बख्शी गई। इसी दौरान एक सिख जनरल हीरा सिंह डोगरा ने शाही मोहल्ले में एक मंडी की शुरुआत की। इसी से इसका नाम हीरा सिंह दी मंडी पड़ गया, जो आगे चलकर शॉर्ट में हीरा मंडी के नाम से जाना जाने लगा। मुगलों की तरह सिखों के दौर में भी हीरा मंडी की तवायफों को दरबारी संरक्षण मिला हुआ था। लेकिन अंग्रेजों के आते ही हालात बदल गए। शहर में फिर से वेश्यालय खुल गए। तवायफें रोजी रोटी की खातिर जिस्म फरोशी को मजबूर हो गई। हालांकि 1860 के बाद फिर से कुछ रईसों ने यहाँ की हवेलियां खरीदी और तवायफ कल्चर शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि नूर जहां और खुर्शीद बेगम जैसी कलाकारों की शुरुआत भी इसी हीरा मंडी से हुई थी। सर गंगाराम, जिनके नाम पर दिल्ली का गंगाराम हॉस्पिटल बना है, उनका घर भी यहीं पर था। 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान में लाहौर चला गया। तवायफ कल्चर यहां पर करीब 30 साल तक चलता रहा। फिर 1978 में जियाउल हक का तानाशाही वाला शासन आया और पाकिस्तान में धर्म का फ्लेवर दोगुना हो गया। जियाउल हक ने हीरा मंडी के मुजरों पर बैन लगा दिया और तवायफें वहां से बेदखल कर दी गई। और फिर कभी लाहौर की शान समझा जाने वाला शाही मोहल्ला जिस्म फरोशी के अंधेरे में गुम हो गया। इसी पर एक नई वेब सीरीज आने वाली है जिसका इतिहास मैंने आपको बताया। आपको हीरा मंडी की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।